बेगूसराय जिले से एक बहुत बड़ी खबर का मामला प्रकाश में आया है। मंडल कारा के कैदी एम्बुलेंस के ड्राइवर की संदेहास्पद अवस्था में मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक की है। बताया जा रहा है कि कैदी एम्बुलेंस का चालक धर्मेंद्र रजक सोमवार को एक कैदी को लेकर इलाज के लिए पटना गया था और वह वापस लौट कर नहीं आया। बीती रात नगर थाना में पदस्थापित टाइगर मोबाइल के जवानों ने धर्मेंद्र रजक को घायल अवस्था में कैदी एम्बुलेंस में ही देखा, फिर उसको इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया एवं परिजनों को इसकी सूचना दी, लेकिन इलाज के क्रम में ही धर्मेंद्र रजक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया है तथा आगे की छानबीन में जुट गई है। परिजनों का आरोप है कि किसी कैदी के द्वारा किसी अन्य वजह से धर्मेंद्र रजक की साजिशन हत्या करवाई गई है, क्योंकि कैदी एम्बुलेंस में एसिड की बोतल एवं एक प्लास्टिक की रस्सी भी बरामद हुई है। मृतक के पुत्र का आरोप है कि कुछ दिन पहले एक कैदी की मौत हो चुकी थी, उसी को लेकर लीपा पोती को लेकर हुई बहस के कारण ही आज अहले सुबह जेल के ड्राइवर की नरसंहार हत्या कर दोनों हाथ के नस को काट दिया तथा तड़पता एम्बुलेंस के अंदर ही ड्राइवर को छोड़कर मौके से अपराधी फरार हो गया। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। मेरा भाई को फोन आया कि धर्मेंद्र रजक आफी का कोई है तो वहाँ पे यहाँ रोड पर रखा हुआ है लाश। हम बोले हमको, तब भाई हमको फोन किया, हम बोले ऐसा सब बोला हमको, तो हम बोले क्या हो पटना गए होंगे कैदी के लेके होंगे तो आ रहे, फिर कैदी के लेके जाना है वहाँ पर। तो उसके बाद फिर हम आए तो यहाँ देखे, यहाँ सिटी हॉस्पिटल में ICU में भर्ती थे, वहाँ उस टाइम उनका सांस चल ही रहा था। उसका कुछ देर बाद फिर वहाँ से गए ग्लोकल हॉस्पिटल, तो वहाँ फिर इतना अभी कुछ पता नहीं। गाड़ी उससे पहले गाड़ी मेरा चोरी हुआ था, इसमें महिंद्रा फर्स्ट चॉइस का भी हाथ हो सकता है, जो उसका फर्स्ट ओनर उसका भी हाथ हो सकता है, और जो जेल प्रशासन है उसका भी उसमें कुछ मिली भगत होगा, उसमें कुछ घटना शामिल होगा उसमें, तब ऐसा कुछ हुआ है। सारी ड्राइवर थे गए थे पटना कैदी को लेके, और उधर से फिर आए थे, फिर से कैदी ले जाना था यहाँ पटना। हाथ कटा हुआ था दोनों, और एक सिरिंज है एसिड वाला रखा हुआ है मेरे पास, कोई ब्लेड भी धरती से नहीं कटा हुआ कोई चीज में, तो मर्डर हुआ है कोई किया है इसमें, जेल का कोई मिली भगत होगा वहाँ पे, नहीं तो फिर महिंद्रा फर्स्ट लगा है, फिर जो गाड़ी का फर्स्ट ओनर था वो भी हो सकता है। मामला प्रकाश में यही आया, सुबह घर से सोकर उठे तो पता चला जो जेल के ड्राइवर है धर्मेंद्र रजक हमारे ग्रामीण है, वो जेल के कैदी को लेकर गए थे पटना PMCH, उधर से वापसी में उनको जो है वो जगह का नाम है बाईपास में कहीं पर उनका जो है डेड बॉडी मिला। उनका वहाँ का लोगों का कहना है जो वहाँ से उनको ग्लोकल लेकर जाया गया वहाँ पर उनका मृत्यु घोषित कर दिया गया, लेकिन डेड बॉडी को देखने के अनुसार उनका लग रहा है उनका हत्या हुआ है, और ये हत्या साजिश के तहत हुआ है, और इसमें जो है उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो अपराधी है उसका जल्द से जल्द गिरफ्तारी होना चाहिए बस। और आप कौन है? धर्मेंद्र कुमार, वर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 38, नगर निगम बेगूसराय।